हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर सीताराम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास ट्राइपॉड है, तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो में ऑटो लेवल के इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा और साथ ही साथ कैसे ऑटो लेवल में हम लोग बबल को सेट करते हैं, कैसे ऑटो लेवल में हम लोग बबल को सेंटर पे लाते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि इंजीनियर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं कि कैसे हमारा ऑटो लेवल में बबल सेंटर पे आएगा। लगता है ना सभी को डिफिकल्ट, लेकिन मैं जो आप लोगों को प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको शुरू से लेके अंत तक फॉलो करना है। आपको भी लास्ट में बोलोगे सर ये बहुत ही हलवा है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम पूरा ईजी प्रोसेस होता है हमारा ऑटो लेवल में बबल को सेट करना। तो सबसे पहले जो आपको करना रहेगा इंजीनियर्स, क्या करना रहेगा, जैसे कि देख सकते हो हमारे पास ये ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें तीन लेग होती है, इसलिए इसको ट्राइपॉड नाम दिया गया है। तो सबसे पहले इसको ओपन करना है। कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये देख सकते हो इस स्क्रू को आपको लूज करना रहेगा। सबसे पहले ये अपन लूज कर देंगे, इसके बाद ये क्लिप होता है, इसको ओपन कर देना है तीनों साइड से और इसको सिंपली ओपन कर देना है। इसके बाद नॉर्मली इस क्लिप को टाइट कर देना तीनों साइड से और इस स्क्रू को यहाँ से फिक्स कर देना है। ये हमारा ओपन हो गया ट्राइपॉड। अब क्या करना है, जैसे ट्राइपॉड हमारा ओपन हो जाएगा, अपन ने लेवल स्क्रू करके इसको फिक्स कर लिया, ओपन कर लिया। अब क्या करना है अपने को, एक लेग को फिक्स कर देना और दो लेग को सिंपली यहाँ पे ओपन कर देना। और आपको ये ध्यान रखना, आपको जो ये हाइट रखनी है हमेशा अपने चेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग रखनी है, नहीं तो इससे क्या होगा, अगर आपने ज़्यादा हाइट पर रख लिया, जैसे आप इसमें ऑटो लेवल को लाओगे ना, तो आपको रीडिंग देखने के लिए आप होनी पड़ेंगी, तो आपको प्रॉब्लम होंगी। या फिर आप ज़्यादा अगर डाउन कर दोगे तो क्या होगा, फिर आपको नीचे झुक के देखनी पड़ेंगी, जो कि आपको रीडिंग लेने में दिक्कतें आएंगी। हमेशा इसको किसके अकॉर्डिंग रखना है, अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, क्लियर है। और आपको यहाँ से देख लेना ये पूरा हमारा हॉरिजॉन्टल है या नहीं, अगर ये आप एक बार फिक्स कर लोगे ना, ये अगर आपका सरफेस पूरा हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, तो आपका इजीली से क्या होगा, बबल सेंटर में आ जाएगा। आप एक तरीके से और देख सकते हो, यहाँ पे पेन रख के देख लेना, वो मूव नहीं होना चाहिए, मतलब एक जगह अगर उसको रखो तो वो फिक्स एक जगह रहे हमारा। चलो एक बार देख लेते करके, एक दो पेन कोई पेन। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पेन रखना है, जैसे देख रहे हो अभी इधर मूव हो रहा है ना, तो थोड़ा सा क्या कर देना है, इसको अप कर देना है। अभी देखो ये रह रही है हमारा, थोड़ा सा इधर डाउन अप कर देंगे, ये हमारी हो जाएंगी। अभी हम इससे हमको क्या पता चल गया, हमारा ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, एकदम एक लेवल में हमारा, एक स्प्रिट लेवल भी आता है उससे भी अपन चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अंडुलेटेड रहेगा अभी ना, तो अपन लेवलिंग स्क्रू से बबल को सेंटर पे ला सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट काम रहेगा, जैसे हमने ट्राइपॉड को फिक्स कर दिया, अब हम लोग ऑटो लेवल के लाएंगे। इंजीनियर्स ले ऑटो लेवल को, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ट्राइपॉड को फिक्स कर देना है। अब हम लोग ऑटो लेवल को लाएंगे यहाँ पे। ऑटो लेवल में सबसे पहले आप लोगों को ना इसका डिटेल्स बता देता हूँ, ऑटो लेवल का इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जिस सबसे पहले आप ये देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेवलिंग स्क्रू। इसका क्या काम होता है, जैसे ही आपका ये जो ऑटो लेवल ये बबल है ना, बबल को सेंटर में लाने के लिए हम लोग इस लेवलिंग स्क्रू का यूज करते हैं। इंजीनियर्स आप लोग भी नोट डाउन करते जाना, बहुत ही काम आने वाला, ताकि मैं जब वीडियो में बताऊँ तो आपको समझ में आए। ये हमारी क्या होती है, लेवलिंग स्क्रू। इसका क्या काम होता है, जो हमारी बबल है उसको सेंटर में लाने का काम करती है लेवलिंग स्क्रू, क्लियर है क्या। इसके बाद ये सामने में देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग आईपीस। इसका क्या काम होता है, जैसे ही आप लोग आईपीस से लेवलिंग स्टाफ को देखते हो ना, तो आपको क्रॉस हेयर दिखती है, तीन लाइनें बनी हुई दिखती है, तीन हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। और हमेशा जो हम लोग रीडिंग लेते हैं किसका लेते हैं, सेंटर वाला का, जिसको हम लोग लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। और पूरा असेंबली को क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ऊपर वाले में जो हमारी लाइनें दिखती हैं उसको अपर स्टेडिया बोला जाता है, जो नीचे में लाइनें दिखती हैं उसको लोअर स्टेडिया बोली जाती है, और जो बीच में लाइन दिखती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ कोलिमेशन। और पूरा पूरा असेंबली को क्या बोलते हैं हम लोग, डायफ्राम बोलते हैं, क्लियर है यह चीजें। जब भी आपका क्रॉस हेयर ना दिखे रीडिंग लेते वक्त, जब भी आपका अगर क्रॉस हेयर मिसिंग हो जाए, जो तीन लाइनें बनती है, तो अपने को जब भी ना दिखे इस वाले स्क्रू का यूज करना है। क्या बोलते हैं इसको, आईपीस। आईपीस को आपको मूव करके देखना है कि आपका क्रॉस हेयर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जब भी गायब हो जाए तो इसका यूज करोगे, क्लियर है ये चीजें। अब देखो नेक्स्ट स्क्रू आती है हमारा ये हॉरिजॉन्टल मोशन नॉब। इससे देखो जब इसको मूव कर रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टली टिल्ट हो रही है ना, हॉरिजॉन्टली ये टिल्ट हो रही है। इसका कब हम लोग यूज करेंगे, जब भी आप लोग लेवलिंग स्टाफ को देखोगे, सबसे पहले ये ऊपर में हमारी ऑप्टिकल स्लाइड होती है, तो ऑप्टिकल स्लाइड से सबसे पहले आपको निशाना लगाना है। ऐसे नहीं ढूंढना है कि आपन सेट कर दिया और ऐसे हाथ से मूव करके देख रहे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा आपको।
तो क्विक प्रोसेस कैसे करना है आपको, ये ऑप्टिकल स्लाइड से अपने लेवलिंग स्टाफ को फाइंड आउट कर लेना है। अब थोड़ा बहुत इधर है ना, तो अपने को ये हॉरिजॉन्टल मोशन नॉब का इसका यूज करके अपने को देख लेना है कि हमारी लेवलिंग स्टाफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, क्लियर है। इसका उपयोग कब करना है, अब यहाँ पे हमारी आती है फॉक्सिंग नॉब, इस डायरेक्शन में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉक्सिंग नॉब। इसका क्या यूज होता है, जब भी आप लोग लेवलिंग स्टाफ को देखो अगर वो क्लियर नहीं दिख रही है, अगर वो धुंधला दिख रही है, तो उस केस में आपको फॉक्सिंग नॉब का यूज करना है, क्लियर है, ताकि आपको लेवलिंग स्टाफ अच्छे से देखे। ये चीजें क्लियर है सभी को? क्लियर है सर। बहुत शानदार। इसके बाद ये जो सामने वाले भी देख रहे हो, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका क्या काम होता है, नाम से ही क्लियर है, ऑब्जेक्ट को देखने का काम करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो बच्चा ये वाले पोर्शन को बोलते हैं पेडेस्टल, बाकी ये पूरे असेंबली को बोलते हैं टेलीस्कोप, और ये पूरा हमारा क्या ऑटो लेवल है, क्लियर है क्या? और यहाँ पे देख रहे हो आप लोग सेंटर में, यही हमारा होता है सर्कुलर लेवल, ये जो सेंटर में जिसमें हमारी बबल है, कैमरा मैन को चाहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाओ यहाँ पे, ये हमारी होती है सर्कुलर लेवल जिसमें हमारी बबल होती है। तो जब भी हम लोग सर्वे करने जाते हैं अपने को बबल को पहले सेंटर में लाना है, तभी हमारा एग्जैक्ट रीडिंग आएंगी, नहीं तो क्या होंगी एरर आ जाएंगी, वो हमारा सर्वे एग्जैक्ट नहीं होंगे। और अपन यहाँ पे एक पेंटा मिरर भी बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो एक पेंटा मिरर है जिसमें अपने को क्या करना रहता है, ये बबल को देखते हैं हम लोग पेंटा मिरर में, हमारा सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट पेंटा मिरर की हेल्प से भी देख सकते हो। क्लियर है ये सारी चीजें सर? सभी को इंस्ट्रूमेंट का नाम क्लियर है? ये अपन को इसलिए आना चाहिए ना, जो लोग अभी फ्रेशर हो यहाँ पे, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे ना, आप लोग बोलोगे सर ऑटो लेवल का यूज करना आता, आपको इंटरव्यू में पूछ ले अच्छा आईपीएस का क्या काम होता है, फॉक्सिंग नॉब का क्या यूज करते हो, तो आप उस टाइम फंस जाते हो। तो अपने को सेट करना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ में अपने को इंस्ट्रूमेंट का डिटेल भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर है सभी को? सभी को इंस्ट्रूमेंट का नाम अच्छे से क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब अपने को बबल को सेंटर में लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, इसका क्या नाम है, लेवलिंग स्क्रू। इसको क्या करते हैं, अपन 50% ओपन कर लेते हैं, ताकि आप जब इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करो ना, तो आपको इजी हो मूव करने के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत सारी कंपनी में क्या रहता है, यहाँ पे लाइन बनी रहती है, जैसे सोकिया का कंपनी और भी बहुत सारी कंपनी वहाँ पे लाइन बना रहता है, तो आप डायरेक्ट तीनों स्क्रू को एक लाइन में ले आ सकते हो, लेकिन अभी हमारे वाले में लाइन नहीं बनी हुई है, तो हम लोग 3-4 बार इसको मूव कर लेंगे। इसको हमने क्या किया, 50% ओपन कर लिया तीनों स्क्रू को। अब क्या करेंगे, ऑटो लेवल को यहाँ पे रखेंगे, और ये जो नीचे फिक्सिंग स्क्रू देख रहे हो, इसके हेल्प से अपने को क्या करना है, फिक्स करना है। और यहाँ पे फिक्स करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना है, कि आपको दो लेवलिंग स्क्रू, ये जो लेवलिंग स्क्रू है इसको आपके सामने रखनी है, दो लेवलिंग स्क्रू को, ये चीजें क्लियर है? अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फिक्सिंग स्क्रू के हेल्प से इसको फिक्स कर देंगे। ये हमारी ऑटो लेवल कम्प्लीटली क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, क्लियर है क्या? अब इसको यहाँ पे हम लोग बीच में ले आएंगे, टेलीस्कोप के दो लेवलिंग स्क्रू के बीच में हम लोग टेलीस्कोप को ले आएंगे। अब अपने को यहाँ पे जो सर्कुलर लेवल में अपने को बबल दिख रहा है, अब ये देखना है अपने को, जैसे ही अपन फिक्स कर देंगे दो लेवलिंग स्क्रू हमारे सामने रहेंगी, अब अपने को यहाँ पे लेवलिंग स्क्रू देखना है कि किस डायरेक्शन में। बस मैं जो आपको 3 स्टेप यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इसको एकदम ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ऑटो लेवल को फिक्स कर लेना, फिक्सिंग स्क्रू के हेल्प से दो लेवलिंग स्क्रू को अपने साइड रखना है, और आपको बबल देखना है इस डायरेक्शन ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है, या फिर नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। अगर ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में हो, अगर हमारी बबल ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में हो, तो उसको क्या करना है, सेपरेट 1 डायरेक्शन में लाना है, या तो नॉर्थ में या तो फिर साउथ में लानी है। नॉर्थ और साउथ में लाने के लिए आपको इस 2 स्क्रू का यूज करना है। अगर आपने सेट किया अगर ऑलरेडी हमारा नॉर्थ में या साउथ में है, तो फिर आपको इस वाले स्क्रू का यूज करनी है। अगर नहीं है, ईस्ट में या वेस्ट में या उससे थोड़ा फिर आउटर में है, तो उसको एक सेपरेट डायरेक्शन में लाने के लिए आपको इन दोनों स्क्रू का यूज करना है। तो जैसे कि अभी देख सकते हो हमारे वेस्ट से थोड़ा वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो अपने को किधर पास पड़ेगा, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में पास पड़ेगा ना अपने को। तब क्या करेंगे, इस दोनों स्क्रू को इनवर्ड या फिर आउटवर्ड हम लोग मूव करके देखेंगे, उधर हमारा बबल जा रहा है या नहीं जा रहा है। कैमरामैन को चाहूंगा थोड़ा जूम कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे बबल को दिखाइए आप अच्छे से। अभी देखो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो हमारा बबल इस डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, पास हमको उधर पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इनवर्ड मूव करेंगे। इनवर्ड मूव कर रहे हैं, देखो ये सेपरेट हमारी 1 डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रही है बबल। अभी जो हमारी बबल है किस डायरेक्शन में आ गई, नॉर्थ वाले डायरेक्शन में।
किस वाले स्क्रू का यूज़ किया, इन दोनों स्क्रू का यूज करके हमने नॉर्थ वाले डायरेक्शन में ले आया। अब हमारी बबर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अब हम लोग कौन सा स्क्रू का यूज करेंगे, स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी हमारी एक सेपरेट डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ में आ जाए या फिर साउथ में आ जाए, तो अपने को ये सामने वाले स्क्रू का यूज करना है, तो उस डायरेक्शन में बबल है ना, तो हमारी अगर ऑटो लेवल इस डायरेक्शन में डाउन होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर पे आ जाएगी, तो उधर डाउन करने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, आउटवर्ड मूव करना पड़ेगा। देखो इसको जब हम लोग आउटवर्ड मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बबल हमारी सेंटर पे आ जाएंगी। आउटवर्ड मूव कर दिया हमने, बिल्कुल जैसे मैंने आउटवर्ड मूव किया तो आपके साथ भी ऐसा कंडीशन आ सकता है, ये सेंटर में आने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं आई है, नहीं आई ना अभी एग्जैक्ट ये सेंटर पे, तो अब क्या करना है, देखो इस डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रही है, तो इस वाले स्क्रू को अपने को मूव करना है, इधर डाउन करना है, इधर डाउन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आने का कोशिश करेगा, उस डायरेक्शन में भाग रही है, तो आप सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देना और ये परफेक्ट हमारा किस में आ गया, सेंटर में आ गया बबल, आ गया ना। तो मैं एक बारी आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोसेस, आप लोग अच्छे से समझ जाना। सबसे पहले क्या करना है, अपने को इस फिक्सिंग स्क्रू की हेल्प से ऑटो लेवल को फिक्स कर देना है और दो लेवलिंग स्क्रू को अपने तरफ साइड रखनी है, क्लियर है। अब क्या करना है, अपने को देखना कि हमारी बबल किधर है, अगर वो ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में हो या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा हो लेकिन वो एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं हो या फिर एग्जैक्ट वो साउथ डायरेक्शन में नहीं हो, तो आपको इस दो स्क्रू का यूज करना है जो आपके सामने है, इस दोनों स्क्रू को या तो इनवर्ड या तो फिर आउटवर्ड मूव करके उसको एक सेपरेट डायरेक्शन में ले आनी है, या तो नॉर्थ में आएंगे वो या तो फिर वो साउथ में आएंगे, जिधर वो पास पड़ेगा उधर अपने को ले जाना है, जिससे कि क्या होगा आप इजीली बबल को सेट कर पाओगे। इसके बाद जिस डायरेक्शन में वो आ जाएंगे, अगर वो नॉर्थ में आ गए तो नॉर्थ साइड उसको क्या करना है, डाउन करना है, तो वो ऑटोमेटिक क्या आएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे, या फिर अगर वो साउथ इस डायरेक्शन में हमारे तरफ मतलब साउथ डायरेक्शन में तो क्या करना है, उसको इस डायरेक्शन में डाउन करना है, मतलब इनवर्ड इसको जब मूव करोगे ना ये ऑटोमेटिक इधर हमारी क्या होंगी, टेलीस्कोप डाउन होंगी और बबल हमारी क्या आ जाएंगी, सेंटर पे आ जाएंगी। बस यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और आपका इजिली बबल सेंटर पे आ जाएगा। मुश्किल से आपको ये जब एक बार कर लोगे ना, मुश्किल से 3 से 4 सेकेंड में आप लोग बबल को सेंटर पे ला सकते हो। सभी को क्लियर है कैसे अपने को सेंटर पे लाना है, क्या बात है। आई होप इंजीनियर, मैं आशा करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप साइड पे यूज कर रहे हो ऑटो लेवल को, अगर आपको बबल सेंटर पे मिलाने के लिए नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो की स्टार्टिंग से देखना है कि सर ने क्या क्या प्रोसेस को बताया, और आपको एक बार उसको ट्राई करना है, खुद से करके देखो, एकदम इजीली वो आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है बबल को सेंटर पे लाने के लिए। बस इंजीनियर्स आपको यही प्रोसेस को फॉलो करनी है और आपका बबल ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। तो इंजीनियर्स मैं मिलूंगा फिर आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम इंजीनियर्स।